एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धोती सलवार की कटिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। और कुछ समझ में ना आए, अगर कुछ और भी क्वेश्चन है सिलाई से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो हमने धोती सलवार में कितने नाप की ज़रूरत होती है? एक हमें चाहिए होती है लेंथ, फिर हमें चाहिए होती है कमर, बस ये दो ही नाप हमें चाहिए होते हैं। और मोरी तो आपको पता ही है, वो तो आप अपने आप ही कर लोगे जितनी भी आपको लेनी है। फिर हमें कपड़ा लेना है, जितना भी आप ज़्यादा कपड़ा लोगे उतनी ही अच्छी आपकी धोती सलवार बनेगी। तो ये हमने कपड़ा ऐसे करके फोल्ड कर लिया है। पहले मैं इसका नाप बता देती हूँ, हमें कितनी लेंथ करनी है। लेंथ हमें इसकी करनी है 22 इंच की, यानी कि 22 इंच की हमें सलवार रेडी रखनी है। और कमर भी इसकी 20 इंच है, कमर 20 इंच है और लंबाई इसकी 22 इंच है। तो हमें एक बार तो ऐसे फोल्ड कर लिया कपड़ा, फिर हमें इसको ऐसे रेक्टेंगल में इस तरह से बिछा लेना है। अब हमें लंबाई लेनी है यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। और बेल्ट जो हम लगाएंगे उसका हम एक्स्ट्रा यहाँ से इंची टेप बाहर निकाल लेंगे। 4 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो 4 इंच हमने बाहर की तरफ इंची टेप को निकाल लिया है। अब जितनी सलवार हमें बनानी है, यानी कि हमें 22 इंच की सलवार बनानी है, तो हम 22 इंच पर ये निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखो 4 इंच हमने इंची टेप को बाहर निकाला है, फिर हमने यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाया। 22 इंच हमारे क्या है, हमारी सलवार की लंबाई है। अब हमें क्या करना है, इस निशान को ऐसे सीधा करना है। अगर आपको ज़्यादा प्लेट वाली सलवार चाहिए है, ज़्यादा हैवी सलवार चाहिए है, अच्छा लुक अगर आपको चाहिए है, तो आप इस निशान को ऐसे सीधा का सीधा लगाओगे। अगर आपको इतनी भारी सलवार नहीं चाहिए है, कम प्लेट की चाहिए है, तो आप ये निशान ऐसे तिरछा करके लगाओगे ऐसे। और यहाँ से हमें आसन निकालना है। आसन आपको जितना भी आप सिंपल सलवार में लेते हो उतना ही आसन हमें इसके अंदर भी लेना होता है। यहाँ से हम इसका आसन लेंगे 6 इंच का, क्योंकि बेल्ट में भी आएगा। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये सलवार छोटी है, बच्चे की है ये, लेकिन अगर हम बड़ी सलवार बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे यहाँ पे। बाकी और सारा फॉर्मूला वही है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे और फिर यहाँ से हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। दोबारा फिर से समझा देती हूँ मैं, आपका साइज कोई भी हो सलवार का, आप सभी में यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। 4 इंच आपको इंची टेप बाहर निकालना है, जितने भी सलवार है उसके ऊपर यहाँ पे निशान लगाना है, फिर आपको इस निशान को ऐसे सीधा लगाना है। फिर यहाँ पे आसन आप जितना भी सिंपल सलवार में लेते हो उतना ही लेना है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से सलवार है वो ऊपर की तरफ ना चढ़े, इसलिए हमें ये निशान लगाना ज़रूरी होता है। Thank you.
कॉर्नर को ऐसे सीधा कट कर देना है थोड़ा सा। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। आपको जितनी भी मोरी रखनी है उतने के ऊपर आप यहाँ पे निशान लगाओगे। यहाँ पे जैसे मैं इसकी मोरी रखूँगी यहाँ पे 4.5 इंच की, तो 4.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा ये खुला रहेगा, यही हमारी मोरी है। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। आज की वीडियो में बस आपको इतना ही करना है, कटिंग ही करनी है। तो यहाँ पे हमें कट लगा देना है। इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसकी प्लेट कैसे डालेंगे ये देखो, यहाँ से ऐसे करके हम इसकी प्लेट डालेंगे।